वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई स्टडी ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे थे डायनेमिक्स के ऊपर। डायनेमिक्स में हम पढ़ रहे थे एसिलेशन और वेलोसिटी के बारे में, और उसमें अपन नॉर्मल और टेंजेंशियल एसिलेशन और वेलोसिटी की बात कर रहे थे। तो लगभग जो चैप्टर था, जो यूनिट था, अपना एंडिंग के ओर था, और उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और लेते हैं जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या इस बार पूछे जा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है, देखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस बार ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया आपकी किसी यूनिवर्सिटी में, तो इस बार इस एग्ज़ाम्पल के, इस क्वेश्चन के पूछे जाने की काफ़ी संभावना बनती है। तो एक बार क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज describing a circle of radius a in such a way that the tangential acceleration is always k times the normal acceleration if its speed at a certain point is u, prove that it will return to the same point after a time a upon ku 1 minus e की पावर माइनस 2 पाई के। तो देखना, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। ये बोल रहा है कि एक कण है वो a त्रिज्या के वृत्त में चल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक कण a त्रिज्या के वृत्त में ऐसे चलता है कि उसका स्पर्श रेखीय वेग उसके अभिलंबित त्वरण का सदैव k गुणा रहता है, ठीक है। यदि किसी बिंदु पर उसकी चाल यू हो तो, ये बोल रहा है, यदि किसी बिंदु पर उसकी चाल यू हो तो सिद्ध करो कि वह उसी बिंदु पर a अपॉन के यू 1 माइनस e की पावर माइनस 2 पाई के वेग जो टाइम है उसमें वापस लौट आएगा। तो देखना, अपना क्वेश्चन जो कह रहा है उसकी बात करते हैं अपन। इसका प्रूफ देखना, आप देखना, एक a रेडियस का आपको सर्कल दिया हुआ है, साथ में ये कह रहा है कि इसकी जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, ठीक है, वो किसका, इस नॉर्मल एक्सीलरेशन का k गुणा है। मतलब इसको क्या बोलते हो आप, स्पर्श रेखीय त्वरण। ये क्या है, स्पर्श रेखीय त्वरण, और ये क्या है, अभिलंबित त्वरण। क्लियर है सभी को, ठीक है। ये बोल रहा है आपका जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, यानी कि स्पर्श रेखीय त्वरण जो है वो अभिलंबित त्वरण का k गुणा है, मतलब k इंटू नॉर्मल, ठीक है, या अभिलंबित, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में चल रहे हैं अपन, दोनों मीडियम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की तरफ से। और एक और चीज़, लेक्चर का जो टाइमिंग है आपके फाइनल ईयर की जो टाइमिंग है वो आपकी 11:15 पे है। कभी कभी ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, टाइम थोड़ा लेट हो सकता है, कभी इंटरनेट की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी किसी और चीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। अदरवाइज टाइम ये फिक्स रहेगा, इसी टाइम पर जो क्लास होती है वो रहेगी। और लेक्चर हमेशा पूरा ज़रूर देखें और टाइम पे ही देखें, क्योंकि कई स्टूडेंट अगर ये सोचते हैं कि बाद में देख लेंगे, तो देखो बाद में तो दोस्तों ये सीन है, क्या पता यूट्यूब पे ये चीज़ें आपको दोबारा मिले या ना मिले,
ठीक है, तो तब तक आप लेक्चर तुरंत देखते रहे साथ साथ, और जल्द ही इस वीक में पूरी पूरी कोशिश है कि आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाए। केमिस्ट्री के नोट्स तीनों पे जो तीनों पेपर आपके ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, वो तो एक दो दिन में ही आपको मिल जाएंगे, इस वीक के में मिल जाएंगे। और फिजिक्स और मैथ के जो नोट्स हैं वो भी पूरी पूरी कोशिश है कि आपको इसी वीक में मिल जाए, ठीक है। और नोट्स का जो लिंक है वो आपको अपना जो टेलीग्राम पे चैनल है आई स्टडी ऑनलाइन का, उस पे डाल दिया जाएगा उसका लिंक, और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अपन बात कर रहे थे कि जो अपना स्पर्श रेखीय त्वरण है वो साब अभिलंबित त्वरण का कैसा है, के गुणा है, ये हमें दिया हुआ है। तो हम जानते हैं जो स्पर्श रेखीय त्वरण होता है वो क्या होता है, डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर होता है, और जो अभिलंबित त्वरण होता है वो अपने होता है वी स्क्वायर अपॉन रो होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अब देखना, मैं इसको लिख इसको मैं ये भी लिखता हूँ वी डी वी अपॉन डी एस, क्यों लिख सकता हूँ, पीछे वाली क्लास में बताया हुआ है, देख लेना, ठीक है। इक्वल्स टू के वी स्क्वायर अपॉन रो, वी से वी कैंसिल हो गया, तो यहाँ आपके पास जो टर्म बची वो बची डी वी अपॉन डी एस इक्वल्स टू के वी अपॉन रो, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डी थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूँ, तो डी वी अपॉन डी एस, यहाँ डी थीटा, ये डी थीटा इक्वल्स टू के वी अपॉन रो, क्लियर है सभी को। मैं इसको लिख रहा हूँ डी वी अपॉन डी थीटा, और डी थीटा अपॉन डी एस इक्वल्स टू के वी अपॉन रो, क्लियर है सभी को। अब देखना, अब बात करते हैं हम इसके ऊपर एक बार, ये बोल क्या रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ तक कि जो इसने जो कहा है वो अपन ने लिख लिया कि ये चीज़ें अपने को दी हुई है, तो यहाँ तक का एक बार अपने पास काम हो गया। कि क्वेश्चन क्या कह रहा था कि स्पर्श रेखीय वेग है वो अभिलंबित वेग का क्या है, के गुणा है, ठीक है। तो के गुणा था तो इसको मैंने थोड़ा सा सोल्व कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखना ये ए रेडियस का आपको इसने सर्किल दिया है, ठीक है, ये ए रेडियस का आपको इसने सर्किल दिया है, ये इसका मैं सेंटर मान लेता हूँ, ठीक है, इसका सेंटर ले लिया मैंने, ठीक है, इसको क्या नाम दे दिया सेंटर को, ओरिजिन, ओ से, ठीक है। ये मैं मान लेता हूँ ये इसकी रेडियस कितनी दी हुई है आपको, ए रेडियस का सर्किल दिया हुआ है, क्लियर सभी को, कितनी रेडियस का दिया हुआ है, ए रेडियस का सर्किल इसने बोला है। प्रारंभ में मैं मान लेता हूँ इस कण की स्थिति इस बिंदु ए पर है, ठीक है, इस कण की स्थिति बिंदु ए पर है, क्लियर है। और प्रारंभ में इसने वेग क्या दिया है, v बराबर स्मॉल u दिया है, ठीक है, यही कहीं इसमें क्वेश्चन में दिया होगा, इफ इट्स स्पीड एट ए सर्टेन पॉइंट इज u, ये क्या दिया हुआ आपको, प्रारंभ में वेग दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं t समय पश्चात मेरा जो कण है वो यहां बिंदु b पर पहुंच जाता है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि t समय पश्चात बिंदु कहां पहुंच जाएगा आपका, इस जो कण है वो कहाँ पहुंच जाएगा, बिंदु बी पर पहुंच जाएगा, ठीक है। और मान लेता हूँ ये जो इसके साथ एंगल बनाएगा वो कितना बनाएगा, थीटा, और साथ में जो ये चाप है वो कितना मान लिया मैंने, एस मान लिया, क्लियर, जो चाप कितना ले लिया मैंने, एस ले लिया। अब अपन जानते हैं साहब चाप बराबर क्या होता है, चाप बराबर होता है त्रिज्या गुणा कोण, ठीक है। चाप क्या है, एस, त्रिज्या कितनी है ए, कोण कितना है थीटा, तो एस बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, ए थीटा आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक चीज की और चर्चा करते हैं, जो वृत्तीय पथ होता है या जो वृत्त होता है, वृत्त में जो वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या होती है, उसकी जो त्रिज्या होती है उसी के बराबर होती है, कॉन्स्टेंट ही तो होती है, वक्रता त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या एक ही बात है दोनों, यानी कि रो का मान भी आपके पास क्या मिल जाएगा साहब, ए मिल जाएगा। रो क्या है, वक्रता त्रिज्या, और वृत्त के लिए वक्रता त्रिज्या क्या होती है, उसकी त्रिज्या ही होती है, वो क्या होगी, ए होगी। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन से, यहां से मैं निकाल लेता हूं डी एस अपॉन डी थीटा, तो डी एस अपॉन डी थीटा मुझे यहां से क्या मिलेगा साहब, ए मिलेगा, ठीक है। तो डी थीटा अपॉन डी एस मतलब कितना हो जाएगा, वन अपॉन ए हो जाएगा, यानी कि डी थीटा अपॉन डी एस क्या, प्लट दो इसको, मतलब वन अपॉन ए, सारी वैल्यूज में यहां पुट करता हूं, सारी वैल्यूज में यहां पुट करूंगा, तो देखना डी वी अपॉन डी थीटा तो साहब ऐसा का ऐसा, डी वी अपॉन डी थीटा तो ऐसा का ऐसा, डी थीटा अपॉन डी एस की जगह यहां से क्या लिख दूंगा मैं, वन अपॉन ए लिख दूंगा, इक्वल्स टू के वी अपॉन, यहां रो की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए से ए कैंसिल, तो यहां से आपके पास मिलेगा
डी वी अपॉन वी इक्वल्स टू के डी थीटा। क्लियर है, समाकलन कर दो, इंटीग्रेशन। ठीक है, समाकलन करोगे तो साहब ये क्या बन जाएगा आपके पास, लॉग वी इक्वल्स टू, इसका क्या हो जाएगा लॉग वी, और ये क्या बन जाएगा के थीटा प्लस सी, नाम दे दो इसको। ठीक है, अब मैं बात करता हूं प्रारंभ की, प्रारंभ में। अब प्रारंभ में v का मान क्या है आपके पास, u है। प्रारंभ में v का मान क्या आपके पास, u है। साथ ही प्रारंभ की स्थिति मतलब ये कण जब यहां है तो थीटा का मान क्या है, जीरो। थीटा तो कुछ है ही नहीं, थीटा कुछ नहीं है, तो यहां क्या आ जाएगा, थीटा बराबर जीरो आ जाएगा। क्लियर है, यानी कि v का मान यहां रख दो, थीटा का यहां रखोगे, c बराबर आपको क्या मिलेगा साहब, log u मिलेगा। c की वैल्यू यहां मैं पुट कर देता हूं, तो log v बराबर k थीटा प्लस log u, log u को इधर ले आओ तो देखना log v माइनस log u इक्वल्स टू k थीटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log v अपॉन u बराबर k थीटा, log को उधर भेज दो तो v अपॉन u बराबर e की पावर k थीटा, यहां से v बराबर u e की पावर k थीटा। एक इक्वेशन ये आपके पास आ गई। हमें निकालना क्या है, हमें टाइम निकालना है, हमें क्या निकालना था, हमें टाइम निकालना था। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब मैं इस v को मैं क्या लिख सकता हूं, ds अपॉन dt लिख सकता हूं, जानते हैं अपन, यहां से u e की पावर k थीटा। क्लियर है सभी को। अब वापस मैं क्या कर रहा हूं, यार थीटा की टर्म है तो मैं इसको वापस ऊपर नीचे थीटा से गुणा कर रहा हूं, तो देखना ds अपॉन डी थीटा और डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल्स टू यू ई की पावर के थीटा। क्लियर है, अब वापस डी एस अपॉन डी थीटा की जगह साहब क्या आ जाएगा, डी एस अपॉन डी थीटा की जगह ए आ जाएगा, तो ए डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल्स टू यू ई की पावर के थीटा। क्लियर है सभी को, यहां तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब देखना, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो एक बार पीछे जाकर दोबारा देख लें। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ से और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं उसके बाद। यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो देखना, अपने पास जो वैल्यू आई लास्ट में वो आई है ए डी थीटा अपॉन डी टी बराबर यू e की पावर के थीटा। a को मैं उधर भेज देता हूं तो d थीटा अपॉन डी टी इक्वल्स टू आपको मिलेगा 1 अपॉन a, यहां u है u e की पावर के थीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए क्या कर दो, t का मान चाहिए मुझे तो इसको मैं लिख सकता हूं डी टी अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू a अपॉन u e की पावर माइनस के थीटा, तो डी टी इक्वल्स टू a अपॉन u e की पावर माइनस के थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर होगा यहां तक। अब देखना साहब, इसकी लिमिट भी चाहिए मुझे, ठीक है, इसकी लिमिट भी चाहिए, तो लिमिट निकालने के लिए देखना t की वैल्यू में मान लेता हूं जो ये यहां से यहां तक आने में इसने जो समय लिया वो कैपिटल t लिया, यानी कि t बराबर जीरो से स्टार्ट हुआ और t बराबर कहां तक गया, कैपिटल t तक गया, यानी कि लिमिट क्या रहेगी, जीरो से t डी टी इक्वल्स टू a अपॉन यू कॉन्स्टेंट है तो बाहर ले लो। अब इसकी लिमिट देखो, इसने यहां से स्टार्ट करा, ठीक है, यहां से स्टार्ट किया घूम के वापस ये यहीं आएगा, तो इसने कितना रोटेशन किया, 2 पाई किया। ठीक है, तो कहां से थीटा बराबर जीरो से स्टार्ट किया और कहां खत्म करा, थीटा बराबर 2 पाई पे, क्योंकि इसने एक पूरा चक्कर लगाया, पूरा चक्कर लगाया मतलब 360 डिग्री मतलब 2 पाई। ठीक है, तो e की पावर माइनस के थीटा डी थीटा, तो समाकलन कर देते हैं इसका, तो समाकलन करोगे तो t 0 से कैपिटल t इक्वल्स टू a अपॉन u। क्लियर है सभी को, यहां से देखना इसका समाकलन क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस k थीटा ऐसा कैसा, और इंटीग्रेशन में जो ऊपर गुणांक होता है समाकलन का, इंटीग्रेशन का, वो किस में आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है, तो माइनस का k 0 से 2 पाई। क्लियर है सभी को, अब लिमिट रखता हूं मैं, तो ये तो t बराबर बन जाएगा, ठीक है, a अपॉन u ऐसा का ऐसा, माइनस k कॉमन ले लो, बाहर ले लो, तो ये k और ये माइनस, अब लिमिट लगा दो, लिमिट लगाओगे तो e की पावर माइनस 2 पाई k और माइनस
ये जीरो रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा। ठीक है, क्या चाहिए था आपको? अब माइनस यहाँ से मैं कॉमन लूँगा तो टी बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए अपॉन के यू वन माइनस ई की पावर माइनस टू पाई के। यही रिजल्ट क्या करना था आपको, प्रूफ करना था कि टी जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, ए अपॉन के यू ई की पावर माइनस टू पाई के। तो अपना भी क्या है, टी बराबर ए अपॉन के यू वन माइनस ई की पावर माइनस टू पाई के। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस बार संभावना है इसको पूरी पूरी पूछे जाने की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं, इस बार जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, एक बात और रिपीट कर रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन हम करते हैं इस बोर्ड के ऊपर, वो सारे के सारे एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करते हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं या आ सकते हैं या आ चुके हैं। ठीक है, फालतू के जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ नहीं कर रहे, ना ही आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपको जो भी मैटर प्रोवाइड करवा रहे हैं वो सारा का सारा एग्जाम के अकॉर्डिंग ही करवा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, और जो स्टूडेंट नए हैं जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपका कि ए पार्टिकल डिस्क्राइब ए कर्व, ए पार्टिकल डिस्क्राइब ए कर्व फॉर विच साई एंड एस एंड साई वेनिस सिमल्टेनियसली विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी, इफ द एक्सीलरेशन एट एनी पॉइंट इज वी स्क्वायर सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कर्व। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन एक बार हिंदी मीडियम वालों के लिए बोल रहा हूं कि एक कण है एक वक्र में। ठीक है, और साथ में कह रहा है जिसमें एस और साई दोनों क्या होते हैं, एक साथ शून्य होते हैं। इसमें जो बीच में लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि जो एस और साई इस प्रकार है कि ये इस वक्र में एक साथ जीरो होते हैं, साई व एस एक साथ क्या होते हैं, जीरो होते हैं इस कर्व में। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये किस अचर वेग v से चल रहा है। ठीक है, वेग कैसा है, यहाँ कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि किसी बिंदु पर इसका त्वरण अगर v स्क्वायर c अपॉन s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो तो वक्र का नेज समीकरण ज्ञात करो, इंट्रिंसिक इक्वेशन आपको निकालनी है। अब एक चीज मैं बता देता हूँ, जब भी आपको नेज समीकरण की बात करें तो ध्यान रखना, आपको कुछ चीज़ें आप ध्यान रखो, जब भी आपको नेज समीकरण यानी कि इंट्रिंसिक इक्वेशन की बात करें तब आपको एस व साई में इक्वेशन निकालनी होती है। ठीक है, एस व साई में। जब भी आपको पदिक समीकरण पूछे तब ध्यान रखना आपको पी व आर में इक्वेशन निकालनी होती है। ठीक है, जब भी आपको कार्तीय रूप में पूछे तो आपको पता है एक्स व वाई में निकालनी है। जब भी आपको ध्रुवीय निर्देशांक में पूछे तब आपको आर व थीटा में निकालनी होती है। ये चीज़ें आप ध्यान रखना। ठीक है, अब करते हैं अपना क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ने क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या पूछा आपको, उनकी चर्चा हम करते हैं। ठीक है, तो देखना इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले कह रहा है कि एक पार्टिकल है एक कण है वो एक कर्व में इस प्रकार चल रहा है कि जहां एस और साई क्या होते हैं, एक साथ शून्य होते हैं, और वेलोसिटी कैसी है, कॉन्स्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी v बराबर ds अपॉन dt कैसा है,
कांस्टेंट है, ठीक है, v बराबर डी एस अपॉन डी टी कैसा है, कांस्टेंट है, तो यहाँ से डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा साहब, जीरो हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट होने का मतलब अगर वेग कांस्टेंट है तो त्वरण तो कैसा होगा, जीरो होगा, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, त्वरण होता है, लेकिन वेग तो कांस्टेंट है, कोई परिवर्तन वेग में हो ही नहीं रहा, कोई परिवर्तन वेग में नहीं हो रहा, तो त्वरण क्या होगा, वैसे ही जीरो होगा। यहाँ से अवकलन कर दो तो जीरो मिल जाएगा, एक ही बात है, ठीक है। अब किसी बिंदु पर त्वरण, आप किसी बिंदु पर त्वरण या एक्सीलरेशन, ठीक है, तो किसी बिंदु पर त्वरण क्या होता है, जो परिणामी त्वरण होगा जो क्या होता है, डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन रो का होल स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू क्या है, जीरो है, तो क्या बचेगा, अंडर रूट वी स्क्वायर अपॉन रो का होल स्क्वायर, यानी कि वी स्क्वायर अपॉन रो, ये मिल जाएगा। क्लियर है सभी को यहाँ तक। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब साथ में ये क्या बोल रहा है कि किसी बिंदु पर त्वरण कितना दिया हुआ है, वी स्क्वायर सी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन रो इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन सी, सॉरी वी स्क्वायर इंटू सी एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ये क्यों क्या बराबर, क्योंकि इसने दिया है कि किसी बिंदु पर त्वरण क्या होगा, वी स्क्वायर सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल कर दो, ठीक है, यानी कि वन अपॉन रो बराबर आपके पास क्या मिला, सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर होगा, रो बराबर क्या होता है आपके पास, डी एस अपॉन डी साई, सिंस आप जानते हो रो बराबर डी एस अपॉन डी साई, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो साई ऊपर चला जाएगा, तो डी साई अपॉन डी एस इक्वल्स टू सी एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, डी एस को उधर भेज दो तो डी साई इक्वल्स टू सी डी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन करते हो इसका, ठीक है, क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन कर रहे हो, तो समाकलन कर रहे हो तो इसका तो क्या हो जाएगा, साई इक्वल्स टू ये क्या बन रहा है, सभी को दिख रहा होगा, ये टेन इनवर्स का फॉर्मूला है जो क्या कहता है, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ यूज में लेता हूँ, तो सी तो ऊपर है ही, साथ में ये और आ जाएगा वन अपॉन सी टेन इनवर्स एस अपॉन सी, और साथ में कोई कॉन्स्टेंट बी लिख दो, ठीक है, सी से सी कैंसिल कर दो, तो साई बराबर टेन इनवर्स एस अपॉन सी प्लस बी। क्लियर है सभी को। अब एक चीज देखना, इसने क्या कहा है कि इस वक्र में जो एस और साई है वो एक साथ क्या होते हैं, शून्य होते हैं, तो सिंस एस बराबर जीरो बराबर साई, तो एस और साई को जीरो करते हो, ये जीरो, तो बी का मान आपको क्या मिलेगा, यहां से जीरो मिलेगा, तो साई बराबर आपके पास क्या आएगा, टेन इनवर्स एस अपॉन सी आएगा, टेन को उधर भेज दो तो एस अपॉन सी इक्वल्स टू क्या आएगा, टेन साई आएगा, सी को उधर भेज दो तो एस इक्वल्स टू सी टेन साई, ये क्या होगी आपकी फाइनल इक्वेशन होगी। एस और साई में ही क्या लाना था आपको, रिलेशन लाना था, यही क्या होगी वक्र की नेज समीकरण होगी। नेज समीकरण के लिए आपको किसमें रिलेशन लाना होता है, एस और साई में। क्लियर है सभी को। एक क्वेश्चन और कंप्लीट होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक और, ठीक है, लगभग ये जो चैप्टर है वो एंडिंग के ओर है, नेक्स्ट जो भी अपनी क्लास होगी उसमें इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे, उसके बाद जो नया चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो स्टूडेंट नए हैं अभी तक, जिन्होंने पीछे वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वो सबसे पहले पीछे वाले लेक्चर्स देखें, ठीक है। अगर किसी को पीछे के लेक्चर्स नहीं मिल रहे हैं तो जो टेलीग्राम का ग्रुप है कॉलेज वाला, उसमें प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है, वहाँ से जाकर सारे लेक्चर्स आप देख सकते हो। उसमें फिजिक्स के भी जितने भी लेक्चर हैं फाइनल ईयर के, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी है, केमिस्ट्री के जितने लिंक, जो जितने लेक्चर हैं आपके, उसका लिंक डाला हुआ है, और मैथमेटिक्स के जो लेक्चर्स हैं उनका भी लिंक उसमें डाला हुआ है। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और करते हैं, देखना। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए पार्टिकल इज डिस्क्राइबिंग ए प्लेन कर्व
Describing a plane curve, if the tangential and normal acceleration are constant throughout the motion, prove that the angle psi through which the direction of motion turns in time t is given by psi बराबर a log 1 plus bt। क्लियर है? तो हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि यदि किसी समतल वक्र में गतिमान एक कण, ये बोला है कि किसी समतल वक्र में एक गतिमान कण के स्पर्श रेखीय तथा अभिलंबिक त्वरण सदैव अचर रहते हैं। इसके अभिलंबिक और स्पर्श रेखीय वेग दोनों क्या रहते हैं? अचर रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि टी समय में गति की दिशा द्वारा घुमा गया कोण साई बराबर ए लॉग 1 प्लस बी टी द्वारा दिया जाता है, या जो घुमा हुआ कोण होगा वो कितना होगा? साई बराबर ए लॉग 1 प्लस बी टी होगा। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ देखना, यह सबसे पहले कह रहा है कि इसकी जो टेंजेंशियल और जो नॉर्मल एसिलरेशन है, यानी कि स्पर्श रेखीय और अभिलंबिक त्वरण, वो क्या रहते हैं? सदैव अचर रहते हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास टेंजेंशियल क्या होता है? डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर, ये कैसा है? कांस्टेंट है, यानी कि ए नाम दे दिया। साथ में आपके पास नॉर्मल है, वो क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन रो होता है, वो भी कैसा है? कांस्टेंट है। इसको क्या नाम दे दिया मैंने? बी नाम दे दिया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको मैं लिखता हूँ वी डी वी अपॉन, एक सेकेंड इसको इतना ही रहने दो, मैं सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? डी एस अपॉन डी टी। ठीक है, और ये साथ में क्या बन जाएगा? ए टी प्लस बी यहाँ है तो इसको क्या नाम दे दिया? स्मॉल सी नाम दे दिया। क्लियर है सभी को यहाँ तक? अब देखना, ये इसको क्या लिख सकते हो आप? वी भी लिख सकते हो। वी बराबर क्या होता है? डी एस अपॉन डी टी, ये वेग ही है। ठीक है, अब देखना, यहां से मैं इस इक्वेशन को लेके चल रहा हूं, इसको मैं लिख सकता हूं v इंटू वी अपॉन रो इक्वल्स टू b। क्लियर है? इस v की जगह तो मैं लिख रहा हूं 80 प्लस c, तो 80 प्लस c लिख दिया। इस v की जगह मैं लिख रहा हूं ds अपॉन dt, ds अपॉन dt इक्वल्स टू b हो गया। ये क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मुझे क्या चाहिए? टाइम चाहिए। टाइम निकालने के लिए मुझे टी में इक्वेशन चाहिए, इसलिए इसको इस प्रकार लिखा है। तो देखना, यहां से सारे टर्म उधर भेज दो, तो ds बराबर आपको मिलेगा b dt अपॉन 80 प्लस c। क्लियर है सभी को यहां तक? तो देखना, यहां से अब क्या कर रहा हूं? इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो इंटीग्रेशन कर दो। तो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको? s बराबर, ठीक है, s बराबर आपको मिलेगा, सॉरी नीचे इसके रो भी है, थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो गई, नीचे इसके रो भी है, तो एक सेकंड, इसके नीचे क्या दिया हुआ आपको? रो दिया हुआ है। ठीक है, अब सिंस आप जानते हो रो बराबर क्या होता है? ds अपॉन d साई होता है। ठीक है, रो बराबर क्या होता है? ds अपॉन d साई होता है, तो रो की वैल्यू रख दो, ds अपॉन d साई, ds से ds हट जाएगा, साई ऊपर चला जाएगा, तो 80 प्लस सी डी साई अपॉन डी टी इक्वल्स टू बी, ये इक्वेशन आ गई। अब इसको उधर भेज देते हैं तो आपके पास मिलेगा डी साई अपॉन डी टी इक्वल्स टू बी अपॉन 80 प्लस सी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखना, डी टी को उधर भेज रहा हूँ तो डी साई इक्वल्स टू बी डी टी अपॉन 80 प्लस सी, इंटीग्रेशन कर दो दोबारा, तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है,
इंटीग्रेशन करने पर तो साई बराबर बी इसका क्या हो जाएगा, लॉग ए टी प्लस सी, लॉग ए टी प्लस सी, और साथ में और क्या आ जाएगा इसके जो इंटीग्रेशन के साथ में जो कोफिशियंट है वो कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा, प्लस जो यहाँ कांस्टेंट है इसको मैं लॉग डी या कुछ भी आप नाम दे दो, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, या सी डी जी जो भी आपको नाम देना है वो आप नाम दे सकते हो, ठीक है। अब मैं एक स्थिति की बात करता हूँ जब टी बराबर जीरो, मतलब प्रारंभ में जब टी का मान जीरो है वहां साई दो जो घुमा हुआ कोण है वो भी क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि जब स्टार्ट ही नहीं किया तो एंगल क्या रहेगा, जीरो, तो साई जीरो टी जीरो, तो यहां से लॉग डी का मान आपको क्या मिलेगा, माइनस बी अपॉन ए लॉग सी मिल जाएगा, क्लियर है सभी को। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं तो साई बराबर बी अपॉन ए लॉग ए टी प्लस सी माइनस बी अपॉन ए लॉग सी, क्लियर है सभी को यहां तक। अब देखना थोड़ा सा और इसको सोल्व करते हैं, तो साई बराबर बी अपॉन ए में कॉमन ले रहा हूं तो कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास बचेगा लॉग ए टी प्लस सी माइनस लॉग सी, यहां से साई बराबर बी अपॉन ए लॉग ए टी प्लस सी अपॉन सी, क्लियर है, सी को अंदर डिवाइड कर रहा हूं तो साई बराबर बी अपॉन ए लॉग, इसको डिवाइड करोगे तो वन प्लस ए अपॉन सी इंटू टी, ठीक है, ये भी पूरा क्या है कांस्टेंट है, ये भी पूरा क्या है कांस्टेंट है, तो मैं मान लेता हूं बी अपॉन ए बराबर कैपिटल ए और ए अपॉन सी बराबर कैपिटल बी, दोनों यहां पुट करता हूं तो साई बराबर ए लॉग वन प्लस बी टी, यही आपको क्या करना था इक्वेशन में प्रूफ करना था, ठीक है, यानी कि जो घुमा हुआ कोण होगा वो कितना होगा a log 1 प्लस बी टी, ठीक है। तो तीन क्वेश्चन करके देखे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे इसी चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन के ऊपर, जो एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो आपके जूनियर्स हैं, जो आपके रिलेटेड हैं, जो बीएससी पढ़ रहे हैं या डिफेंस पढ़ रहे हैं उन तक अपने चैनल को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। नोट्स जल्दी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, मिलते हैं जल्दी एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।